नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। पीएम मोदी ने फूमियो किशिदा से की मुलाकात। पूर्व पीएम शिंजो आबे के राज के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी और जापान के पीएम फूमियो किशिदा के बीच दोनों देशों में रिश्तों को और मजबूत करने पर बातचीत हुई। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, दोनों देश अलग अलग तरीके से हैं अमेरिका के साझेदार। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान से अपने रिश्ते को लेकर बड़ी बात कही है। अमेरिका ने कहा कि दोनों देश अलग अलग तरीके से अमेरिका के साझेदार हैं। रूस और बेलारूस के साथ सम्मान से पेश आए पश्चिम पुतिन और अलेक्जेंडर ने जताई सहमति। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले भी पश्चिमी देशों के खिलाफ बयान जारी कर चुके हैं। उनका आरोप है कि पश्चिम रूस को नष्ट करना चाहता है। ईरान में हिजाब के खिलाफ हिम्मत दिखाने की सजा। महसा अमीनी के बाद हदीस नजवी पुलिस ने मारी 6 गोलियां। और ईरान में हिजाब का विरोध कर रही लड़कियों के ऊपर पुलिस क्रूरता की सभी हदें पार कर रही हैं। पहले महसा अमीनी और अब हदीस नजवी। पुलिस ने हदीस नजवी को 6 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। तूफान नोरू को लेकर चीन में भी दहशत अलर्ट जारी। हेनान प्रांत में मचा सकती है तबाही। टाइफून नोरू फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद सोमवार को सुबह दक्षिण चीन सागर के मध्य और पूर्वी हिस्सों में आया। चीन के हेनान प्रांत में अलर्ट जारी किया गया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर क्रिकेटर लिटन दास। दुर्गा पूजा की बधाई देने पर धर्म परिवर्तन कराने को कहा। हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले क्रिकेटर लिटन दास के पीछे कुछ कट्टरपंथी पड़ गए हैं। ये लोग खुलेआम लिटन दास को धमका रहे हैं। हॉलीवुड की इस फिल्म की शैली पर एस्टेरॉयड से टकराया नासा का एयरक्राफ्ट। फिलहाल महाविनाश का खतरा टला। नासा ने अपने जिस मिशन डार्ट को अंजाम देकर पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे एक एस्टेरॉयड की दिशा मोड़ने का प्रयास किया है। उसकी कल्पना हॉलीवुड ने वर्षों पहले कर ली थी। नासा ने रचा इतिहास। धरती को बचाने का मिशन सफल। एस्टेरॉयड से टकराया ड्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट। पृथ्वी को एस्टेरॉयड से बचाने का स्पेस एजेंसी ने सफलतापूर्ण टेस्ट किया है। इसके तहत अपने डार्ट मिशन को अंजाम दिया और एस्टेरॉयड की दिशा और रफ्तार बदलने वाला नासा का एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। पीएफआई को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान। बताया, अलकायदा की परछाई और देश के दुश्मन। पीएफआई के ठिकानों पर ये छापेमारी दूसरे राउंड की बताई जा रही है। एनआईए को इससे पहले भी छापेमारी में जो कुछ लीड मिली थी उसी के आधार पर ये छापेमारी जारी है। जब गहलोत बोले, हमने तो पायलट को इतना सम्मान दिया, पार्टी नेताओं को उनके सामने खड़ा होना सिखाया, तारीफ में कही बात। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच राजनीतिक टकराव कोई नई बात नहीं है। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब गहलोत ने खुले तौर पर मीडिया में पायलट की तारीफ भी की थी। दिल्ली के शाहीन बाग रोहिणी में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापा। 30 लोग हिरासत में। दिल्ली के शाहीन बाग रोहिणी और निजामुद्दीन में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इस कार्यवाही में 30 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। गौतम अडानी की दौलत 6.9 अरब डॉलर घटी। अमीरों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर फिसले। मुकेश अंबानी टॉप 10 से बाहर। कल अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट देखी गई और गौतम अडानी की संपत्ति 6.91 अरब डॉलर घट गई है, जिसके चलते वो विश्व के धनवानों की सूची में तीसरे स्थान पर फिसल गए। इंटरनेट कट होना जान के नुकसान से ज्यादा खतरनाक। अनुच्छेद 370 खात्मे को लेकर बोले एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर आप लोगों को इंटरनेट कट करना मानव जीवन के नुकसान से ज्यादा खतरनाक लगता है तो इस पर क्या कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को मिला सम्मान। कोविड-19 टीकों की आपूर्ति के लिए भूटान और नेपाल ने भारत का जताया आभार। भूटान की कोविड-19 के कुप्रभाव से नहीं बचा और न ही इससे कोई होने वाली मुसीबतों से अछूता रह पाया। यह कोई छोटा कदम नहीं है क्योंकि यह भारत सहित मित्र देशों की हार्दिक सहानुभूति के कारण संभव हो पाया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ना चाहती है आरएसएस बीजेपी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आरएसएस भारत जोड़ो यात्रा का बंटवारा चाहती है। आईएएफ की नारी शक्ति। चीन से सटे बॉर्डर पर फाइटर जेट और चॉपर्स उड़ा रही महिला पायलट। चीन सीमा के करीब तेजपुर फॉरवर्ड एयरबैग में SU-30 लड़ाकू विमान तैनात हैं। इन नए हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक वार प्रणालियों को शामिल करने के साथ इसे और घातक बना दिया गया।
मैदान में पहाड़ तक आसमानी आफत। पिथौरागढ़ में पानी की लहरों में फंसे लोग। यूपी एमपी के कई इलाकों में जल जमाव से मुसीबत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। एमपी के सागर में बारिश के बाद जल जमाव से लोग बेहाल दिखे। बीजेपी नेता लुईस मरांडी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कसा शिकंजा, कहा दिखावे से नहीं चलेगा काम। बीजेपी नेता लुईस मरांडी ने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए देश को तोड़ने का कार्य किया है। लोग अब जाग चुके हैं, लोग जानते हैं कि कौन देश को तोड़ रहा है और कौन देश को जोड़ रहा है। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 21।